हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉथ डायपर के बारे में। तो बच्चा जब भी बॉर्न होता है हमारे पास तीन ही ऑप्शन होते हैं उसके डायपरिंग के लिए। सबसे पहले ऑप्शन जो होता है वो है क्लॉथ नैपीज का। तो ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वी नीड टू चेंज द नैपी एवरी टाइम जब भी बच्चे ने पी किया होता है। इससे आपके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, अगर बच्चे को अगर आप बेड पर रखते हो तो बेड भी गीला हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट द गुड सॉल्यूशन। तो सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो है हमारे पास डिस्पोजेबल डायपर का। तो आजकल कई सारे ब्रांड्स के डिस्पोजेबल डायपर मार्केट में आने लगे हैं, बट इट इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर द बेबीज बिकॉज इसमें केमिकल्स होता है। तो जब भी बच्चे पी करता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तुरंत, जिससे बच्चे को रैशेज होने की भी चांसेस होते हैं। प्लस ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है बिकॉज इसको 100 ईयर्स लगते हैं डिस्पोज होने में। और प्लस लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है बिकॉज हर महीने आप 800 से 1000 रुपये खर्च करते हो डायपर के लिए। तो थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो है क्लॉथ डायपर का। तो आजकल कई ब्रांड्स के क्लॉथ डायपर भी आने लगे हैं, जैसे कि सुपर बॉटम्स हो गया, फीगो हनी हो गया। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ये, 7 से 8 घंटे आराम से चल जाता है। तो इसका जो इंसर्ट होता है वो नेचुरल फाइबर से बना होता है, जिससे बच्चे में रैशेज होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल होता है, जिससे बच्चे को अनकम्फर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता है। तो मैं अपने बेबी के लिए फीगो हनी के क्लॉथ डायपर यूज़ करती हूँ। तो बेबी जब 1 मंथ की थी तब से मैं क्लॉथ डायपर ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने फीगो हनी के क्लॉथ डायपर मंगवाए थे, तो ये 3 का सेट था। आप सिंगल सेट भी मंगवा सकते हो, मैंने 3 का सेट मंगवाया था। तो सबसे पहला जो सेट था वो है ये पिंक कलर का पोल्का डॉट। तो काफ़ी सुंदर पिंक कलर है, गर्ल बेबी के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये पहला ये था, सेकंड ये वाला था। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रिंट है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स वाले प्रिंट हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर है। और तीसरा अभी प्रिशा ने पहना है, तो मैं पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी थर्ड वाला। तो ये होते हैं पॉकेट डायपर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस दिया होता है इंसर्ट डालने के लिए। तो इंसर्ट कुछ इस टाइप का होता है, ये नेचुरल फाइबर से बना होता है, ये वाइट कलर का होता है। तो आपको इंसर्ट ये जो पॉकेट है इसमें डालना होता है। तो जब भी बच्चा पी करता है तो ये जो इनर लेयर है वो ड्राई रहती है, और आउटर लेयर भी ये वाटरप्रूफ है तो ये भी ड्राई रहती है, जिससे बच्चा बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील नहीं करता है। और जो भी पी करता है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा। तो आराम से 7 घंटे आप बच्चे को पहना सकते हो। ये एक ही साइज़ में अवेलेबल होते हैं 5 to 15 kg तक के बच्चे के लिए। तो अगर बच्चा आपका छोटा है तो आप यहाँ बटन्स है इससे एडजस्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपको छोटा करना है तो आप ये बटन ऐसे लगा दो तो ये यहाँ से ऐसे छोटा हो जाएगा। प्लस आप वेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आपको 3 बटन दिए होते हैं, 2, एक यहाँ, आई होप यू कैन सी, एक ये बटन दिया हुआ है, एक ये बटन दिया हुआ है। तो ये वाला जो बटन है ये आप वेस्ट पे एडजस्ट करने के लिए। तो बच्चा अगर आपका छोटा है तो आप इतना डालो, बट अगर बड़ा होते जाता है तो यहाँ तक आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस ये वाला जो बटन है ये लेग्स के लिए होता है, लेग्स एडजस्ट करने के लिए। अगर आप अच्छे से एडजस्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली पी लीक भी कर सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको एडजस्ट करके बच्चे को पहनाओ। काफ़ी अच्छा है, प्रिशा को जब वो 1 मंथ की थी तभी डायपर्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इसको धोना भी काफ़ी आसान है। अगर बच्चे ने मान लो पूप किया हो तो आप जस्ट जेट स्प्रे कर दो तो वो जो भी पूप है वो निकल जाता है। और प्लस जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो अपने बच्चे के लिए तो बस वो आपको माइंड से धो देना है एंड दैट्स इट। और इस पे बिल्कुल भी पूप आपका नहीं जाता है, तो जो भी पूप है वो इसी पे रह जाता है। तो इसको आप आराम से धो सकते हो, कि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो 2-2.5 साल आराम से आपका चल जाएगा। तो ये था करीब 2-2.5 हज़ार का, मुझे 3 डायपर्स पड़े थे, जो कि लॉन्ग टर्म में देखिए तो काफ़ी अच्छा है। अगर डिस्पोजेबल डायपर देखिए तो आप हर महीने 800 से 1000 रुपये खर्चा करते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। प्लस ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, 2-2.5 साल आराम से यूज़ होगा। अगर आप सेकेंड बेबी के भी प्लान कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकता है इस डायपर को। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप डिस्पोजेबल डायपर कम यूज़ करें। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि हम अगर बच्चे को बाहर लेके जा रहे हों
और अगर मान लो ट्रेवल कर रहे हो तो हम ये वाले डायपर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर बच्चे ने पूप कर दिया तो हम कहाँ पे धोएंगे. ऑब्वियसली इट्स नॉट यू नो द गुड सॉल्यूशन. सही बता तो अभी तक मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, जस्ट आसपास के मॉल में भी जाती हूँ तो मैं प्रिशा को यही वाला डायपर्स यूज़ करती हूँ. बट मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि डिस्पोजेबल डायपर जितना हो सके आप यूज़ करिए, बिकॉज़ ये ना आपके बच्चे के लिए अच्छा है ना ही इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है. बस टाइम सेव करने के लिए आप वो बच्चे को पहना रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड थिंग. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.